का प्रोग्राम ग्राम सबला जिला मथुरा में चल रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है विशाल पंडित यूट्यूब चैनल सॉन्ग से, जिसके गायक हैं प्रेम सिंह ईश्वरती कठुमर अलवर राजस्थान से, ढोलक पर संगति कर रहे हैं बड़े भाई सर्वो सुपर, पेड़ पर झनकार दे रहे हैं मुरारी लाल कुंतल नंगला देविया गोवर्धन से। लीजिए प्रोग्राम सबसे पहले सभी श्रोता बंधुओं के लिए प्रेम सिंह की तरफ से नमामि नमस्कार राम राम साहब। गायक बंधु आपके बीच में अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में पेश कर रहे हैं। एक कवित में कबीराज लिखते हैं अपने शब्दों में विचार करके, इंसान के लिए अभिमान होता है कई प्रकार का, एक अभिमान होता है रूप का सबसे ज्यादा सुंदर हूं। सर्वे भैया क्या लिखा है, ज्यादा ही रूप का छुपा लियो सीता रे, यही ते थोड़ा बढ़ जाए हर किलायो है, ज्यादा घमंड कछु कर लियो रावण ने, राम के हाथनिया को काल जल्दी आयो है। एक होता है अभिमान पैसे का, सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं, ज्यादा दान कछु कर लियो भूप बलि, तीन पग नाप प्रभु मान जो घटायो है, कहे कभी लखन तुम ज्यादा मत अभिमान करो, जान ज्यादा मान करो वो पीछे आयो है। जिकड़ी को जन्म देने वाली माँ जिसको बोलते हैं साखी, साखी पर गौर करेंगे सर्वो, साखी आ रही है अध्यात्म में। क्या लिखा है, गोरी गोरी भैया गोरी है कलई, गोरी गोरी बैया गोरी है कलैया, गोरो सब अंग नरी गोरी के, और रोरी पंचोला फुलेला डारा तू नहाबे, निख जो है रंग निख जो है रंगरी तेरी सुंदर काला जय। अरे तेरे प्रीतमा बता होंगे है सर्व भैया, अरे तेरे प्रीतमा बता होंगे सजाए पहाल हकिए ला बता होंगे, सजाए पहाल हकिए ला बता होंगे, जादनो या घर कूले छोड़ेगी, जादना या घर कूले छोड़ेगी, ना तो सब जगतील है तोड़ेगी, ना तो सब जगतील है तोड़ेगी, अरे रिश्ते
ये जुड़ेंगे, असमानी है तो पर फूल उड़ेंगे, असमानी है तो पर फूल उड़ेंगे, बहर ले कितनहु चांदी ले सोनो, बहन ले कितनहु चांदी सोनो, अब होएगा हो तेरो असली, अब होएगा हो तेरो असली है कोनो, बातनो मैं मत समह कमाहने, अरे बातनो मैं मत समह कमावे है, पीतियो बखत हाथ नाए, पीतियो बखत हाथ नाए आवे, छोड़ उदासी अब तू खिल ले, छोड़ उदासी अब तू खिल ले, मिलनो होए काऊ के, अरे कैसे बैठिए आसन मार, अरे लखन के तेरे आतले वहां, इसी बीच दामोदर रसिया की झलक जिसको भरतपुर जिले की पहचान बताते हैं, सुनिए। अरे ले बहुआ आ गए गोने के, गोने के दिमाग को लगाएंगे, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन की सभा लगी है, सभा के अंदर कुछ काशी के ब्राह्मण लोग पंडित लोग आते हैं, ब्राह्मणों को देखा, आइए प्रदेव विराजमान हो जाइए, कुछ भोजन प्रसादी लीजिए। लेकिन एक सवाल रख दिया, हमारे दिनों के बारे में देखिए आजकल हमारे दिन कैसे चल रहे हैं। दुर्योधन के सुन बेन विप्र ने वचन उचार्यो, और जो तुस लैया छान कहूं ना मिलो, सहारो त्यारी लगी जंग की नीम, त्यारी लगी जंग की नीम, और तुम सौ भैया कौरव को मार गो एकलो, भीमसेन तुम्हारा सौ भ्रातों का काल बन गया है। लेकिन एक मंत्री को बुलाया, हलकारो दियो भेज दुष्ट ने, हलकारो दियो भेज दुष्ट ने, भ्राता करण बुलायो है, और हाथ पकड़ के कहने लगे, और फिर ऐसे वचन सुनायो है, पंडित ने जो बात कही, अरे पंडित ने जो बात कही, तू या को ध्यान लगा ले, और हम सौ उनकी जान तेरे हाथ में है जान बचाना। लेकिन बुलाया किसको, दानवीर करण को नहीं बुलाया, जिसको करण विकरण बोलते हैं ना उसको बुलाया, और सर्वो जवाब दिया, बोले दुर्योधन क्या बोलने लगे भैया, ठीक है।
खींचक है कुलग हाथी। अरे सुन पंडित के, अरे सुन ब्राह्मण की, ये बेन पीर मेरी भवक रही है छाती। लुक्का भैया रे 500 रुपया सलमपुर से आए हैं। ए जी सुनिए गौर से, जो देता कष्ट गरीबों को हो, जो देता कष्ट गरीबों को हो, कष्टान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को। जो 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 10-10 रुपए से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर्वो भैया सर्वो, जो देता कष्ट गरीबों को, कष्टान उसी को कहते हैं। जो करता मदद गरीबों की, धनवान उसी को कहते हैं। जो अरे राजा रंग को समराख है, अरे राजा रंग को समराख है, शमशान उसी को कहते हैं। सर्वो राजा रंग को समराख है। ये 100 रुपए का आशीर्वाद और ये 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। निकाल रहे हैं अच्छो, लियो 10 के ले लियो, चलो कोई बात नहीं। अरे राजा रंग को समराख है, शमशान उसी को कहते हैं। राजा रंग को समराख है, शमशान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे, जो पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते हैं। जो पार लगा दे, जवाब दिया कितकू जाके पांडव छुपरे। दुर्योधन कहते हैं अपने भ्राता श्री विक्रम से, कितकू जाके पांडव छुपरे, जाके पतो लगाइयो रे, रक्षा और सुरक्षा को हथियार संग ले जाइयो रे। विप्रन ने जो बात कही, आराम से बतराओ, कोई बात नहीं। कितकू जाके पांडव छुपरे, जाके पतो लगाइयो रे, रक्षा और सुरक्षा को हथियार संग ले जाइयो रे। पंडित ने जो बात कही, अरे ब्राह्मण ने जो बात कही, तू या को समझ इशारो और सबरी ढूंढ बनी को तारो। आपको जाना होगा बियाबान जंगल में, 5 पांडव के लिए वनवास तो मिला ही है, लेकिन सर वो एक रिक्वेस्ट, एक विनती, एक गुजारिश, एक निवेदन किया है। बोले दुर्योधन, क्या बोले? छोटो सो और काम बनाए दे, ऐसे समझो राजस्थान को फिल्म जवान को रेडियो बज रहे हो, एक एक शब्द समझ में। और मेरो इतना सो और अब फरा जाने भाई दे, और छोरा मो कुसी सभी की बाखो, जाए
झूठ से, धोखे से, कैसे भी भीमसेन को खत्म करना है। क्यों करना है? हमारा 100 उभरातों का अकेला भीमसेन काल बन गया है। चारों भाई को बात छोड़िए और बोले सर वो क्या बोले, क्या जवाब दिया, क्या बोला गया? काशी के जो पंडित आए, काशी के जो ब्राह्मण आए और देखो कर गए साफ इशारों है और हम सौ और इकलौ बीमा पड़े सब अलग भारों है। धर्मराज युधिष्ठिर, गांडावधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव एक साइड में कर दीजिए। दुश्मन है तो कौन है? अकेला भीमसेन। क्यों? अरे चरण की तू बात छोड़ दे, अरे चरण की तू बात छोड़ दे, बीमा पेरी खास हमारो है, बीमा पेरी खास हमारो है, खटका मेट दऊंगो बीमा को के लखन यू पर के सारो है। क्यों? पहरे में चोरी करवा दे, अरे पहरे में चोरी करवा दे, ऐसी चौकीदारी क्या पहरे में चोरी करवा दे, ऐसी चौकीदारी क्या दूध दे तुम्हें टांग उठा जाए, ऐसी गाय दुधारी क्या, क्यों सुबह श्याम लाए करे आरती, सर वो सुबह श्याम लाए करे आरती, उसका नाम पुजारी क्या, पेट भरा ना मजदूरी दे ऐसी पल्ले। पांडव घूमे, अर्थ में बताते हैं, ले द्रौपद को पांडव घूमे, दर दर ठोकर खाते हैं और दिल मेरे में चैन नहीं, वो दिखे उल्टे आते हैं। जादना पांडव आ जाएंगे, जादना पांडव आ जाएंगे, कैसे बात बनेगी और हर हालत में रार। जब वन से पांडव लौट के आएंगे ना, 1/2 हिस्सा होगा, आधा राज मांगेंगे और युद्ध जरूर होगा। और सर्वो लंगड़ा ढोला आ रहा है, क्या बोले दुर्योधन? अरे गाज होनी, अरे गाज होनी, सरा पे हम हरी रही है गाज, पर
ऐसा मालूम होता है क्या बोले जो ये मेरा मुकुट है ना कुछ दिनों में जाने ही वाला है। क्यों? हमारा सौ भ्रातों का काल है अकेला भीमसेन। सर वो इतने बच्चों को सुना किसने? विक्रम ने। और बोले एक मिनट और लोगों सुन दुर्योधन की बात और करण जब बोल रहो जो लंबे भरे उस ससुर के जाके है गए तो नैना क्यों बात में जान गयो तेरी। विक्रण बोले जो आपने कथा कही है ना आपने जो बात कही है सारी को अपने दिमाग में फीड कर लिया है। विक्रण बोले अरे बात में जान गयो तेरी जाना तो कूटी दो जन्म वही तो मैया है जिस गांधारी ने तुझे जन्म दिया ना वही मेरी माता श्री है। क्यों अरे राज को ना होएगा बाटो एक बटा दो नहीं होगा। क्यों अरे राज को ना होएगा बाटो मैं कह रहा भुजा उठाया भीम को भेट दूंगा काटो शस्त्र में कर में धारूंगा धन्यवाद।